आपने कभी अपने चश्मे की दुकान में आपकी आंखों की जांच करने वाले से पूछा है कि क्या वो ट्रेंड प्रोफेशनल है? अगर नहीं तो अगली बार जरूर पूछिएगा, क्योंकि सरकार भी अब ये सवाल उठाने जा रही है। एक प्रस्ताव के मुताबिक अब सिर्फ प्रशिक्षित व्यक्ति ही आंखों की जांच कर पाएगा और ऐसा न करना गैर कानूनी होगा। डॉक्टर भी मानते हैं कि इस वक्त देश में आंखों की जांच और लेंस बनाने के लिए काम के कोई मापदंड नहीं है और इसका नुकसान लोगों को होता है। जितनी भी हम मेहनत करेंगे एक रिफ्रेक्शन करने में या लेंस बनाने में, अगर वो उसकी जो है मेजरमेंट ठीक नहीं होगी तो उससे जो है वो उसे हार्म इफेक्ट भी हो सकता है, एक्चुअली उससे उसकी विजन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए चश्मा बनाने से पहले उसका एक्यूरेट रिफ्रेक्शन का जो टेस्ट होना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। इस वक्त देश में करीब 1,00,000 चश्मे की दुकानें हैं। इनमें से करीब 70% दुकानों पर अप्रशिक्षित लोग काम करते हैं। दूसरी तरफ देश में रजिस्टर्ड आंखों के डॉक्टरों के अलावा करीब 9,000 ऑप्टोमेट्रिस्ट और 40,000 ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन हैं। लेकिन इनमें से 20-25% या तो विदेश चले जाते हैं या फिर वो कोई और काम कर रहे हैं। मतलब प्रशिक्षित लोगों की 70% कमी है। सरकार अगर कुछ कदम नहीं उठाएगी, जो कि अब हम देख रहे हैं कि पहली बार इन्होंने उठाना शुरू किया है कि ऐसे आईके प्रोफेशनल्स हम नीचे तक लाएं, इसलिए उन्होंने पहल की है। वी आर गोइंग टू हैव अ मीटिंग वेरी सून इन नेक्स्ट 2 वीक्स टाइम। लोग भी मानते हैं कि चश्मे का नंबर एक बार में फिट नहीं बैठता, कई बार गलत नंबर दे दिया जाता है तो कई बार कमाई के चक्कर में स्वस्थ आंखों में भी नंबर निकाल दिया जाता है। पहले एक दो बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, कहीं मैंने और जगह टेस्ट करवाया जैसे, तो मेरा टोटल वो विजन का उन्होंने मेरा वो किया टेस्ट। तो अब यहाँ आई हूँ मैं, तो यहाँ पर आकर मेरा उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से टेस्ट किया और मुझे सही ग्लासेस और वो प्रोवाइड हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार आंखों की जांच के लिए एक नया कोर्स लाने पर भी विचार कर रही है। 1 साल के इस कोर्स के बाद आंखों की जांच करने और लेंस बनाने का सर्टिफिकेट मिलेगा। आपकी नजर को नजर ना लगे, ये पूरी कवायद इसीलिए। इसके 2 फायदे होंगे। पहला, आंख जांचने वाले और लेंस बनाने वाले दोनों ट्रेंड प्रोफेशनल होंगे, जिससे न सिर्फ आपकी आंखें सुरक्षित होंगी बल्कि रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली।